Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गाइस कैसे हैं आप लोग, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे ट्रिक वाले वीडियोस में। और आज की जो हमारी ट्रिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स कैसे हम याद करें। गाइस ऐसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट यहां पर इस सेशन में हम बात करेंगे ऐसे सिटीज जहां पर बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं और आप एक साथ ही सारे को सब कुछ लर्न कर सकते हो, और ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। तो कौन कौन से सिटीज की हम बात करने वाले हैं इस वीडियोस में? तो गाइस हम बात करने वाले हैं जिनेवा, वियना, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। मतलब इन सब शहरों में कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे और एक बार में याद कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे जिनेवा की। तो गाइस अगर जिनेवा की बात करें तो यहां पर जिनेवा वन आपको दिख रहा है, मतलब जिनेवा की पहली ट्रिक। कैसे हम याद रखें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है? चलो देखो, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग वर्ल्ड से हो रही है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग वर्ल्ड से हो रही है और खत्म यह हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, स्टार्टिंग में वर्ल्ड, बीच में कुछ भी हो और खत्म हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड से स्टार्टिंग हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन बाद खत्म हो रही है। जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी क्या है, वर्ल्ड पे शुरू है ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लोगे कि वर्ल्ड से स्टार्टिंग हो और ऑर्गेनाइजेशन बाद खत्म हो, इसे हम क्या बोलेंगे, ये हम जिनेवा की ट्रिक की बात करेंगे। आराम से जिनेवा कंप्लीट हो जा रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब जिनेवा पार्ट टू। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बात ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रही है, इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, तो ये भी कहां पर है? जिनेवा में है। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल से स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल से स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म। जैसे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका एक नाम और भी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, हम इसे भी बोलते हैं, तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही होगा। तो सिंपल सी ट्रिक से आपने जिनेवा कंप्लीट कर लिया और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया आपने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वो कहां पे है? वो इस ट्रिक में नहीं आएगा, तो एक्सेप्शन भी मैं करवा दूंगा आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं, जिनेवा कंप्लीट, अब बात करेंगे वियना की। वियना कैसे हम इसे याद रखें? देखिए, तो तीन शब्द याद कर लिए, तीन शब्द। अगर पेट्रोलियम आ गया, पेट्रोलियम, या फिर एटॉमिक एनर्जी आ गई, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गया, अगर ये कुछ वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं उसके नाम में पेट्रोलियम आ गया या एटॉमिक एनर्जी आ गई या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गया, तो ये सारे के सारे वियना में होंगे। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन वियना फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पेट्रोलियम एंड द एटॉमिक एनर्जी आर वेरी एसेंशियल। वियना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम का होना बहुत जरूरी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो पेट्रोलियम की बात हमने कर ली, एटॉमिक एनर्जी की बात हमने कर ली और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हमने कर ली। देखिए, तो पहला क्या है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिडो बोलते हैं। तो यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में, क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है। और पेट्रोलियम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम, ओपेक, आपने नाम सुना होगा सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक कंट्रीज। तो पेट्रोलियम वियना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वियना, और देख लीजिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये भी क्या आ गया आपका, वियना। मैंने क्या बोला था गाइस कि इन वियना फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एटॉमिक एनर्जी एंड पेट्रोलियम का होना बहुत जरूरी है, तो ये तीन वर्ड आप याद कर लेंगे तो वियना कंप्लीट कर लेंगे। ओपेक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, काम हो गया आपका वियना। जिनेवा कंप्लीट हो गया आराम से, वियना कंप्लीट हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लंदन की। लंदन कैसे याद करें? तो लंदन के लिए देख लीजिए सिंपल सा आई एम कॉमन, आप ये याद कर लें तो आपका लंदन भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से, आई एम कॉमन। अब ये आई एम कॉमन का मतलब क्या हुआ?
आई से क्या मतलब हुआ? तो गाइस अगर हम आई से बात करें तो मैंने आपसे बोला था कि जेनेवा में एक एक्सेप्शन है, क्या है? इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, खत्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, ये वाला, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? जेनेवा में। लेकिन आईएमओ एक एक्सेप्शन है जो लंदन में हमने पढ़ा, कहां पे? देखिए यहां पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रिक के थ्रू ये जेनेवा में होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है, ये लंदन में है। तो आई का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आई एम कॉमन, एम का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब क्या हुआ? तो एम का मतलब हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल। आई एम कॉमन, कॉमन का मतलब क्या हुआ? तो कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रमंडल देशों का समूह, और कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे? लंदन में। तो आई एम कॉमन, आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल, और कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट हो गया लंदन आपका आराम से, ठीक। तो जिनेवा कंप्लीट, वेना कंप्लीट, लंदन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क के ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के आने वाले, ठीक है। देखो यहां पर एक लाइन लिखी है, जो पर रट्टा मारनी, क्या लिखा है? इन न्यूयॉर्क यूएनओ, यूएनओ गिव फंड फॉर द चिल्ड्रन एमरजेंसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। यानी यूएनओ न्यूयॉर्क में पैसा देता है चिल्ड्रन एमरजेंसी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। चिल्ड्रन एमरजेंसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हमको मिल जाएंगे? पहला तो यूएनओ मिल रहा है, हम देख रहे हैं। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी यूएनओ कहां पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। चिल्ड्रन एमरजेंसी का मतलब क्या हुआ? तो अगर आप यूनिसेफ जानते हैं तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। तो चिल्ड्रन एमरजेंसी आ गया, आ गया, तो ये क्या हो गया? यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, या तो आप इसे इस नाम से जानते हैं या सिंपल सा आप यूएन वुमेन के नाम से जानते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, जो कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए बात करता है। तो यूएन वुमेन कहां पे है? कहां पे? न्यूयॉर्क में। क्योंकि हमने ट्रिप में पढ़ा था कि इन न्यूयॉर्क यूएनओ गिव फंड्स फॉर द चिल्ड्रन एमरजेंसी, यानी इसका मतलब क्या हो गया? यूनिसेफ। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया? यूएन वुमेन हो गया, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो, है ना। और अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब देख लीजिए आप, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यही संस्था निकालती है हर साल ये रिपोर्ट, ठीक है। तो यूएनडीपी, डेवलपमेंट का मतलब यूएनडीपी, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका जो ट्रिक होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीएम बोलते हैं इसे। एक बार ट्रिक को फिर से देख लीजिए, न्यूयॉर्क में यूएनओ, चिल्ड्रन इमरजेंसी के लिए मतलब यूनिसेफ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मतलब यूएन वुमेन, डेवलपमेंट मतलब यूएनडीपी, और लास्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब यूएनएफपीए। इन सबके हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट रोम की। रोम का सबसे सिंपल ट्रिक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फूड आ गया, खाने की बात हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हेडक्वार्टर हमेशा कहां पर होगा? रोम में होगा। कैसे? आप देख लीजिए। अब चाहे आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एफएओ की बात करें आप, और चाहे आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें, अगर कहीं पर भी फूड आ रहा है तो उसका मतलब वो कहां पर होगा? रोम में होगा। फूड, तो वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, कहां पे? रोम में। सिंपल सा, ठीक है, चलो ये सिंपल सा आपको याद जाएगा। अब पेरिस की बात करते हैं। देखिए, जब भी पढ़ाई लिखाई की बात होगी, पढ़ाई लिखाई की, जैसे फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन आ रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक वर्ड आ रहा है, इकोनॉमिक भी तो क्या है? एक पढ़ाई तो है ना भाई, तो इसका हेडक्वार्टर हमेशा पेरिस में होगा। एजुकेशन इकोनॉमिक, एजुकेशन इकोनॉमिक, कैसे? आपको दिखाते हैं। तो आपने गाइस नाम सुना है यूनेस्को का, यूनेस्को, यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आ गया ना एजुकेशन, एजुकेशन आ गया यूनेस्को, तो कहां पे? पेरिस में। इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, ओईसीडी की हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशनल आ रहा है या इकोनॉमिक आ रहा है, इसका मतलब उसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा?
पेरिस में होगा। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक में हमने इसे कंप्लीट कर लिया। तो जो हमारे मेजर शहर हैं और जो हमारे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक बार की ट्रिक में इसे कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा पार्ट वन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोगों ने इतने कौन कौन से शहर, हमने यहां पर जिनेवा, वियना, लंदन, पेरिस और रोम, रोम भी यहां पर है, छठवां पॉइंट, हमने इतने शहर यहां पर एक साथ कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर ट्रिक के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.